हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को होममेड क्रीम बना के देखा, नाइट क्रीम। तो आप लोग एक क्रीम यूज कीजिएगा तो आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा और सनटैन रिमूव हो जाएगा, फाइन लाइन दूर हो जाएगा और बहुत हेल्दी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्रीम, सब कुछ हमारे किचन में मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये क्रीम बनाने का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, नाइट क्रीम बनाने के लिए हमको पहले इंग्रेडिएंट्स लगेगा पोटैटो। पोटैटो हमारे स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है और ये सनटैन रिमूव करते हैं, डेड सेल रिमूव करते हैं और स्किन में जो दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन सब कुछ दूर हो जाएगा, फाइन लाइन आने नहीं देगा और स्किन को बहुत हेल्दी रखेगा। तो हाइड्रेट भी बनाएगा ये पोटैटो। तो ये पोटैटो हम यहीं पर ग्रेट करके 2 टीस्पून इसका जूस लेंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमको लगेगा राइस फ्लावर। आप लोग तो जानते हैं राइस फ्लावर हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। तो हम यहीं पर 2 टीस्पून राइस फ्लावर यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, उसके साथ हमको लगेगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और रिंकल आने नहीं देगा। तो ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो हम यहीं पर 1 टीस्पून ग्लिसरीन भी यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, उसके साथ हमको लगेगा ये जो लेमन है, हम यहीं पर 1/2 लेमन यूज करेंगे स्किन पे। और लेमन तो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, सनटैन रिमूव करता है, स्किन को यंग बनाता है और हाइड्रेट बनाता है। और तो हम यहीं पर लेमन भी 1/2 टीस्पून यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, उसके साथ हम यूज करेंगे ये विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो विटामिन ई कैप्सूल है ना, आपका स्किन को हाइड्रेट बनाता है, फाइन लाइन आने नहीं देगा और ये बहुत अच्छा होता है। तो हम यहीं पर 2 विटामिन कैप्सूल भी यूज करेंगे। तो आपके पास विटामिन कैप्सूल नहीं है तो आप लोग जरूर बाजार से खरीद के लाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है। तो पहले हम फेस को वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम ये क्रीम बनाएंगे, फिर हम फेस पर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पोटैटो को हम पील ऑफ कर लिया। अभी हम तो फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए ये पोटैटो जूस, ये राइस पाउडर 1 टीस्पून यूज करेंगे, उसके साथ हम ग्लिसरीन यूज करेंगे। अच्छा से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रात में, पूरा रात में रख दीजिएगा, दिन में मत लगाइएगा। अभी इसके साथ हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे। बहुत अच्छा एक क्रीम बन गया। तो लेमन है ना, इसलिए आप लोग रात में लगाइएगा, दिन में मत लगाइएगा। दिन में लगाइएगा तो ये टैन हो जाएगा, रात में जरूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और जरूर आप लोग ये इंग्रेडिएंट्स आपका फेस पर अप्लाई करके देखिएगा और इसका रिजल्ट कैसा है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।